हेलो, राम राम जी। ठीक है जी। भाई साहब, ऐसा है, मेरी बात सुनो। हम बिल्कुल पीछे नहीं पड़े, हमारा एक ही मुद्दा है। ठीक है, पुरानी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बात है, पुरानी परफॉर्मेंस का सम्मान होना चाहिए। हम भी करते हैं। जो अच्छा पहलवान है, आप किसी का इतिहास नहीं मिटा सकते। जो अच्छा है वो अच्छा है, पर मुद्दा यह है कि जो कल अच्छा था, क्या आज भी वो अच्छा है? हमारी सारी जो जो विवाद का जो मुद्दा है ना, ये था भाई, ठीक है, तो कल बहुत अच्छा था, आज कौन अच्छा है? और आज हमारा सीधा ऐसा एक प्रिंसिपल है, द बेस्ट मैन शुड गो। और द बेस्ट मैन निकालने का तरीका क्या है? ओनली ट्रायल। भाई एक बात बताओ ना, नहीं, पहले नहीं होते थे वो अलग बात है, पर पहले भी अनफिट लोग, धरना देने वाले लोग मीटिंग में सिलेक्ट होते थे, जिनकी लगातार, देखिए कंटिन्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस देखी जाती है। क्या आप लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हो? वो खुद कह रहा है कि मैं 8 मिनट से धरना दे रहा हूं, मेरी तैयारी होने में ट्रायल नहीं दूंगा। जब आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि आपकी तैयारी नहीं है, आपने पिछले 8 महीने से पहलवानी नहीं करी, ये हमने थोड़ी ना कही है, आप ही ने तो कही है, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट। आज आप ट्रायल क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप फिट नहीं है। पक्का था मैं, काली रमन का मेडल आता या नहीं आता ये विषय ही नहीं है। विषय यह है कि क्या सिलेक्शन फेयर था। काली रमन ने 5 कुश्ती लड़ी एशियन गेम्स ट्रायल में, फिर भी नहीं गया। एक आदमी जिसने एक भी कुश्ती नहीं लड़ी, ना कुश्ती लड़ी, ना पहलवानी करी, ना फिट था वो, ना कोई ट्रायल दिए, फिर भी वो गया। किस लिए? क्योंकि पहले बहुत अच्छा पहलवान था। पहले पहलवान तो और भी बतेरे अच्छे हो रहे हैं, जगविंदर पहलवान पहले बहुत अच्छे थे, उनने भेज दिया ना भाई, तू बुड्ढा हो लिया। सत्यवान पहलवान बहुत अच्छा था, सुशील बहुत अच्छा था, उसने भेज दे। नहीं भाई, जब अच्छा था जब अच्छा था। आज अच्छा कौन है? भाई साहब, इसमें हरियाणा वालों के पीछे पड़ने की क्या बात है? हम तो सच बोल रहे हैं। अच्छा तो एक मिनट, विशाल हरियाणा का नहीं है क्या? विशाल कोई मार्स से आया है, मंगल ग्रह से आया है? विशाल भाई साहब, विशाल भी जाट है, विशाल काली रमन भी जाट है, विशाल काली रमन भी हरियाणा का है। तो अब न, न, विशाल काली रमन का हम सच्चाई का पक्ष ले रहे हैं। हम तो भाई एक बार ट्रायल करा लेते, तू हरा लेता विशाल, ने तू चला जाता, कोई नहीं कुछ कहता। क्योंकि आप चोर दरवाजे से गए हो, इसलिए विरोध हो रहा है। अगर आप ट्रायल दे, एक मिनट भाई मेरी बात सुनो, ट्रायल दे के 450 खिलाड़ी अलग अलग गेम में गया है, सिर्फ 100 मेडल आया, इसका मतलब 300 तो हार के आया है ना। 300 खिलाड़ी, 350 खिलाड़ी हार के आया, किसी ने गाली दी? नहीं, ट्रोल नहीं कर रहे हम, ये कह रहे हैं कि आप बेईमानी पूर्वक गए थे, नतीजा सामने है। तो जब आप, एक मिनट, खाप पंचायतों ने इतना प्रेशर डाला, सारी दुनिया ने प्रेशर डाला, आपने बोला ना जी मेरा तो सिलेक्शन होया है, डॉक्यूमेंट्री सिलेक्शन किया है, आपका बेईमानी पूर्व। और एडहॉक कमेटी की गलती नहीं थी, वो जो दो राहुल केतु बिठाए ना आपने, अपने राहुल केतु पहले एडहॉक कमेटी में नहीं थे, एडहॉक कमेटी में राहुल केतु तुमने घुसाए, सिर्फ इसलिए घुसाए कि मेरा एक काम कर, मैं तने एडहॉक कमेटी में गलवा दी, तो मेरा सिलेक्शन कर दिए। जितने कोचेस का पैनल किसने सिलेक्ट किया? एडहॉक कमेटी ने नहीं किया, राहुल केतु ने किया। राहुल केतु में से राहु केतु में से केतु तो खुद मैनेजर बन के चला गया। सरकार ने तो एडहॉक कमेटी बना दी, सरकार ने दो राहु केतु बिठा दिए सलाहकार के तौर पे। अब सलाहकार जब आप खुद ही गलत सलाह दे रहे हो, तो ये जितना भी जो आज भी ट्रोलिंग हो रही है, वो इसलिए क्योंकि आप बेईमानी करके गए थे। ओहो, दो कुश्ती जीतने से मेडल नहीं आते ना जी, मेडल लेने के लिए तो 4 कुश्ती जीतनी पड़ा है, बल्कि गोल्ड लेना होता तो 5 कुश्ती जीतनी पड़ती। दो कुश्ती से मेडल नहीं आते जी, प्रिलिमिनरी राउंड तो हल्के ही व्या कर रहे हैं, पोल तो तब खुलती है जब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल जो जीतता है उसका मेडल आता है। पहली 2 कुश्ती से पहलवान नहीं सिद्ध होता। और हम तो ना, हम तो हम भाई साहब, अरे
अरे सुन, अरे भाई मेरी भी सुनेगा, पहलवान खरा था, हमें पहलवान खरा है चाहिए। पास्ट टेंस में मेरी बहुत सी परफॉर्मेंस थी, मेरे दादा ने घी खाया था, मेरा गट्टा सूंघ ले। भाई तेरे दादा ने खाया था, तू के खा है ये बता दे, तू पहलवान खरा था। हम कोई मना कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत अच्छा पहलवान था, जब तक पहलवानी करता था बहुत अच्छा पहलवान था, अब नहीं कर रहा, अच्छा पहलवान नहीं रहा। पहलवानी दादा लाई नहीं होती, ना 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 भाई साहब सुनो, पहलवानी दादा लाई नहीं होती, जो करता है उसकी होती है, ये खुद कहते थे। अजीब करता, ओहो उस पहलवानी तो मैडम तो कौन आया, और ये क्या फायदा, 8 महीने करी नहीं, आखिरी दिन 2 महीने कर ली, ये तो वो बात होगी कि 8 महीने किताब के हाथ नहीं लाया, आखिरी दिन पढ़ाई कर ली, फेल हो गए। जो लगातार पढ़ाई करते हैं वो आते हैं मेरिट में, एक दिन ये मेरिट होती है, 33% लेके पास नहीं होना, यहाँ पे गोल्ड मेडल लेना होता है ना। मैं भाई है? सच्चाई क्या है कि मेडल नहीं आया, बेईमानी करके गए थे, इसके बावजूद हासिल क्या हुआ, बस। अच्छा भाई तू ठीक है, अच्छा राम 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 राम। कौन था ये?